चिट्टा चोला जंग तू आया ढोले आला वेखू तला गंग तू आया चिट्टा चोला सांब रखसा कहता ढोला मैं तेरी तांग रखसा चिट्टा चोला लाई किनारी ओ कच्ची निकली और ढोले दियारी चिट्टा चोला लाई किनारी कच्ची निकली और ढोले दियारी चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उस रात में हमारे मौजूद MYK न्यूज़ के साथ और मोहम्मद इजाज़ साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सरगोधा से स्पेशल। ये आप लोगों को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए आए तो सीधा इनकी आवाज़ ही पहले सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताएं कहाँ से आया? जी मैं तहसील बलवाल जिला सरगोधा से हूँ। इतनी दूर से, इतनी दूर क्या करने आ गया? बस इन लोगों की मोहब्बत, यहाँ आपकी मोहब्बत ही लेके आई है मुझे। हमने तो कोई मोहब्बत नहीं किया, लोगों ने भी नहीं किया अभी तक। चले मानते हैं कि आप तो कोई चॉइस भेजेंगे तो कर लेंगे। करने क्या आया इतनी दूर? तो मैं इतनी दूर तो इसलिए आया हूँ कि मैं चलूँ आपकी, आप जो मेरी आवाज़ है मैं इन लोगों को सुनाऊंगा और मुझे भी अच्छा लगेगा, इनको भी अच्छा लगेगा। तो आपको लगता है कि लोगों को अच्छा लगेगा? ये अंदर का एक माजी तो बोलता है कि अच्छा होगा। चले जी चेक कर लेते हैं कि आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता। क्या सुनाने वाले हैं? एक रात का गाना है। तो रात को बहुत बड़े सिंगर है, गा लेंगे? कोशिश तो जरूर करेंगे, क्यों नहीं। की बात है, शुरू करें। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नाक मिटाते जाओ। चलो रसमन ही सही मुड़ के तो देख लो, तड़पते तड़पते दिल को भलाते जाओ। मेरा हाथ कल तक तेरे हाथ में था, मेरा दिल धड़कता था दिल में तुम्हारे, ये मखमूर आंखें जो बदली हुई हैं, कभी हम इन्हीं के हैं सदके उतारे, कहीं अब मुलाकात हो जाए हमसे बचा के नजर को गुजर जाइएगा। भाई लेवल है भाई का, और भाई ने जो है वो बेशक इनकी लैंग्वेज मेरे ख्याल में सरगोधा की है, तो थोड़े लफ्ज जो थे इन्होंने अपने उसमें अपनी लैंग्वेज में जो है गाया, लेकिन प्रॉपर जो है वो गा गए हैं। तो मुझे बताएं कि आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को भी सुनाते हैं? जरूर, क्यों नहीं, पसंद आते हैं। बुरी बात है ये तो अच्छी या उससे कुत्ते खा खा के ऐसी आवाज बन गई? नहीं ऐसे नहीं है वो। जी प्यार की शादी? जी नहीं, घर वालों की मर्जी से है, लेकिन अच्छे हैं हम दोनों में, ठीक है। हो गया प्यार? जी ऐसे समझ आदत जबरदस्त। अच्छा मुझे बताएं अपनी अपनी जबान में कोई गाना सुनाए, क्योंकि ये तो आपने राहत फतेह अली खान साहब को गा दिया, क्या बात है, लेकिन अपनी आवाज में कोई गाना सुनाए वो ज्यादा बेहतर आप गा लेंगे। हो गहरा दे सामने साडे मान तरोड़े नी, ओए गहरा दे सामने साडे मान तरोड़े नी, इस दुनिया ते जीवन दे, इस दुनिया ते जीवन दे हालात न छोड़े नी, ओए गहरा दे सामने साडे मान तरोड़े नी, ओए गहरा दे सामने। हो तेरी याद कीता जीवन मुहाले, मैले ने कपड़े खुल गए ने वाले, मैले ने कपड़े खुल गए ने वाले,
गैरां दे वांगू चन रुख चा मोड़े नी इस दुनिया ते जीवन दे इस दुनिया ते जीवन दे हालात न छोड़े नी ओए गैरां दे सामने साढ़े मान तरोड़े नी ओए गैरां दे सामने हो गैरां दी मन के डाडारू आई सारे जगदा साकू हासा बनाई सारे जगदा साकू हासा बनाई शला वसदारावें क्यों दिते विछोड़े नी ओए शला वसदारावें क्यों दिते विछोड़े नी इस दुनिया ते जीवन दे इस दुनिया ते जीवन दे हालात न छोड़े नी ओए गैरां दे सामने साढ़े मान तरोड़े नी ओए गैरां दे सामने। क्या बात जी, जबरदस्त जबरदस्त। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो इन्हें माइक की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इनकी आवाज जो है वो इतनी ज्यादा है कि माइक रख के मैंने गलती कर दी, मेरा ये वाला कान इसके अंदर सुरीली आवाज है बस रच गई। और दूसरी बात ये जिस तरह स्माइल करके प्यारी मुस्कुराहट के साथ ये गाना गा रहे थे तो बड़ा मजा आया गाना एंजॉय करने का। जाते जाते एक और हो जाए यार, क्या बात, अभी ये वाला कान बचा है मेरा तो ठीक है ना, दूसरे को भी कुछ कर लेंगे ठीक है। चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला जंग तू आया ढोले आला वेखू तला गंग तू आया, चिट्टा चोला सांभ रखसा कहता ढोला मैं तेरी तांग रखसा, चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला लाई किनारी ओ कच्ची निकली और ढोले दी यारी, चिट्टा चोला लाई किनारी कच्ची निकली और ढोले दी यारी, चिट्टा चोला सांभ रखसा के तैं ढोला मैं तेरी तांग रखसा, चिट्टा चोला सीधे दर्जी नहीं भूलेंदा ढोले दी मर्जी। क्या बात भाई, अब आपने इस भाई को वायरल करना या नहीं करना ये आपकी मर्जी। और मेरी तो भाई सारे डायरेक्टरों से और फिल्म मेकर से और कोक स्टूडियो के डायरेक्टर से गुजारिश है कि भाई बड़े बड़े सिंगर तो आप पकड़ लेते हो लेकिन इस तरह के सिंगरों के ऊपर भी फोकस किया करो, इतनी खूबसूरत किस्म की इनकी आवाज़ें और ये जो है बेचारे बस प्लेटफॉर्म ही ढूंढते फिरते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आवाज़ पसंद नहीं होगी, अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हाफिज़।